friends, good morning. This is Rakesh. Today we will discuss the laws of thermodynamics. The first law is Giroth law of thermodynamics. Second one is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics and second law of thermodynamics. And there is one more, that is fourth one is third law of thermodynamics. Let us discuss one by one. First one is Giroth law of thermodynamics, and what does it mean? इसका Giroth law का क्या मतलब होता है? And इसका क्या इसमें क्या टर्म्स हैं, कैसे इसको हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं. लेट अस डिस्कस इट. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हियर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एक्चुअली दिस गिव्स the concept of temperature. It means Giroth law से हमें हम लोग temperature की definition पढ़ते हैं, सीखते हैं. temperature की definition जो है Giroth law से हम लोग सीखते हैं. That is in classical physics में temperature को define किया गया है. It is a property of thermodynamics by virtue of which heat transfer takes place. Means जब भी किसी सिस्टम में हीट ट्रांसफर होता है, हीट इंट्रैक्शन होता है सिस्टम में सराउंडिंग के बीच, ये बोला जाता है कि there is a some temperature gradient between the system and surrounding only then we can say there is a transfer of heat. Giroth law thermodynamics हम लोग इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इसको हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें समझते हैं. और लेट अस स्टेटमेंट ऑफ Giroth law thermodynamics. इसका स्टेटमेंट क्या है? When a body A is in thermal equilibrium with a body B and body C separately, then the body B and C will also be in thermal equilibrium. This is the statement of Giroth law of thermodynamics. It means कोई body A है जो कि body B के thermal equilibrium में है, and C, body C के also it is also in thermal equilibrium body C. Means A, body B और body C के thermal equilibrium में है. तो ये हम लोग conclude कर सकते हैं कि body B और C भी thermal equilibrium में होगी. This is the Giroth law of thermodynamics. Let us recapitulate it with the diagram. Here the term
thermal equilibrium. Let us try to understand what does it mean thermal equilibrium. What does it mean thermal equilibrium? Thermal equilibrium means equality of temperature. Equality of temperature. Means जब भी कोई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बॉडी, दोनों बॉडी के बीच कोई भी हीट इंट्रैक्शन नहीं हो रहा। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो। इसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम मींस दैट इज इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इसीलिए बोला जाता है। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। Means it is the property of thermodynamic system by virtue of which heat transfer takes place. अगर कोई भी system है उसमें heat difference है नहीं है, temperature का difference नहीं है, temperature means equality of temperature है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई heat का interaction नहीं होगा। यहाँ पे let us consider a body A. There is a body B. And there is also a body C. A, B, C. There are three body. यहाँ पे हम लोगों ने three body consider किया, body A, body B and third body C. इसमें इसलिए कहें body A is in thermal equilibrium. मीन्स अगर दोनों बॉडी को फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाया जाए, इनको सराउंडिंग से आइसोलेट किया जाए, मीन्स इस तरह से इन दोनों को फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखा जाए और इनको सराउंडिंग से आइसोलेट किया जाए, आइसोलेट कर देंगे तो इसमें हीट का इंट्रैक्शन होगा। ये देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स अगर इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है, तो यहाँ से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल दे विल गेट द थर्मल इक्विलिब्रियम, दे विल गेट द थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेंपरेचर ऑफ ए बॉडी ए इक्वल टू टेंपरेचर ऑफ बॉडी बी। सिमिलरली अगर बॉडी ए एंड सी को भी फिजिकल कॉन्टैक्ट में ले जाए इन सिमिलर वे, वो इसी तरह से इसको भी थर्मली आइसोलेट किया जाए, मीन सराउंडिंग से कोई हीट का इंटरेक्शन, कोई कॉन्टैक्ट ना हो, बॉडी ए एंड सी को फिजिकल कॉन्टैक्ट मिल जाए विद द हेल्प ऑफ डायथर्मिक वॉल, देन इसमें भी इंटरेक्शन होगा। आफ्टर सम टाइम दे विल आल्सो गेट द इक्वालिटी ऑफ टेंपरेचर, मीन टी ए इक्वल टू टी सी। देन फ्रॉम द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम दीज टू कंडीशन वी कैन से these two body, body B, that is temperature of B, must be also equal to the temperature of body C. Means ये भी हम कह सकते हैं इसका temperature इसके equal होगा। It means क्या इसका क्या मतलब है यहाँ पे? The body is and B is also in thermal equilibrium. The body C. This is all about Giroth's law of thermodynamics. Now next one is